So this class is to find out how to solve numericals based on the ray diagrams or based on the position of object and image. क्या करना है आपको? Number one, you should be knowing this table very thoroughly. अगर आपने ये table अभी नहीं learn किया है तो इसको पहले learn करो अच्छे से. Ray diagrams, I hope सबने practice कर लिए होंगे. उसके जो रूल्स हैं वो तो बहुत क्लियर होने चाहिए. नहीं है तो प्रीवियस वीडियो देखो, रूल्स क्लियर करो. दीज आर द रे डायग्राम्स, 3 marks के आ सकते हैं. दे विल गिव यू पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, बाकी सब कुछ आपको वर्कआउट करना है. यूजर्स लर्न कर लीजिए. कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ दो ही पोजिशंस हैं, इंफिनिटी एंड बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल. एंड यहाँ पे सब जगह आपको वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिल रहा है. ये इम्पोर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर इमेज इरेक्ट है तो आपका एच पॉजिटिव होगा, अगर इमेज इन्वर्टेड है तो आपका एच नेगेटिव होगा. ओके, ये क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. एक है कार्टेशियन कन्वेंशन, यू शुड नो के कौन सा साइन कहाँ लगाना है. अनदर थिंग इज मिरर फॉर्म्यूला. सिंपल वाली चीज से शुरू करते हैं. सो मिरर फॉर्म्यूला क्या है? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f. v इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, u ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, और f उसका फोकल लेंथ. ध्यान रखिए ये मिरर की बात हो रही है, आगे हम लेंसेस की भी बात करेंगे. सो डोंट डिस्टर्ब द ऑर्डर, इट इज v u f. 1/v plus 1/u plus is equal to 1/f. Now, what is important is, आपको पता होना चाहिए कि v, u और f कब पॉजिटिव लेना है और कब नेगेटिव लेना है. तो उसके लिए ये साइन कन्वेंशन है. आप एक रफ सा रे डायग्राम बना लेंगे. Whenever you are moving towards left, it is negative. तो देखो हम ऑब्जेक्ट जनरली यही रखते हैं ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिरर, तो u हमेशा नेगेटिव रहेगा. अगर इमेज भी सेम साइड पे बना है तो वी भी नेगेटिव बनेगा. बहुत रेयर केसेस होते हैं जहां पे इमेज राइट हैंड साइड पे बनता है, सो इन दैट केस वी पॉजिटिव हो जाएगा. एक सेंटेंस मैंने आपको याद रखने को बोला था, वैक्स इज पॉजिटिव. इसका मतलब ये होता है कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहेगा और कॉनकेव लेंस का, सॉरी वी आर स्टिल टॉकिंग अबाउट मिरर्स, मैं लेंस पे चली गई. कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहेगा और कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव रहेगा. इतना क्लियर? यस मैम. और दो चीजों का ध्यान रखेंगे, एच एंड एच डैश. तो ये ऑब्जेक्ट का हाइट है, ये इमेज का हाइट है. ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली हम हमेशा सीधा ही रखते हैं, तो एच तो हमेशा पॉजिटिव होगा. देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एच बीइंग नेगेटिव. एच डैश जनरली जब हम कॉनकेव मिरर की बात करते हैं तो हमको इन्वर्टेड इमेज मिलता है. तो जहां जहां इन्वर्टेड इमेज मिल रहा है ये नेगेटिव होगा, कॉन्वेक्स मिरर में पॉजिटिव होगा. क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि वहां पे हमको इरेक्ट इमेज मिलती है. With this understanding, now we can solve the numericals. Oh, मैंने बहुत ज़्यादा ही fast scroll कर दिया इसको. Okay, magnification formula भी आप याद रखेंगे. दो magnification formula है जो आपको याद रखने हैं. एक तो है m is equal to h dash upon h. m क्या है? मैग्निफिकेशन. h dash है हाइट ऑफ द इमेज, h है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. अगर इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा है तो आपको इमेज कैसा मिल रहा है? मैग्निफाइड. अगर इमेज ऑब्जेक्ट से छोटा है तो इट इज स्मॉलर. यहाँ पे हम देखेंगे कि यू हैव टू फाइंड आउट वेदर m इज इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1. इक्वल टू 1 है तो सेम साइज का इमेज, ग्रेटर देन 1 है तो मैग्निफाइड इमेज,
और अगर स्मॉलर देन वन है तो द इमेज इज स्मॉल और डिमिनिश्ड। वो जो हमने टेबल लर्न किए हैं वो ऑलरेडी आपको बताएंगे कि कहाँ पे आपको सेम साइज इमेज मिलता है, कहाँ पे मैग्निफाइड मिलता है और कहाँ पे डिमिनिश्ड मिलता है। ओके, सो एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे है जो याद रखेंगे, द हाइट ऑफ द इमेज शुड बी टेकन एज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेजेस। वर्चुअल इमेजेस हमको कहाँ मिलती है? वर्चुअल इमेजेस हमको कॉन्वेक्स मिरर में मिलती है। कॉनकेव में वी कुड ऑब्टेन द इमेज ऑन द स्क्रीन, आपको एक्सपेरिमेंट्स भी दिखाए थे, तो वो सारी कैसी थी? रियल इमेजेस। तो याद रखिए एच कॉन्वेक्स वर्चुअल इमेजेस के लिए पॉजिटिव होगा, रियल इमेजेस जो कि कॉनकेव मिरर में मिलती है उसके लिए नेगेटिव होगा। अ नेगेटिव साइन इन द वैल्यू ऑफ द मैग्निफिकेशन इंडिकेट्स दैट द इमेज इज रियल। एक ये भी फॉर्म्यूला आपको याद रखना है, सॉरी, एक और फॉर्म्यूला जो आपको याद रखना है वो है m इज इक्वल टू माइनस v बाय u। सो व्हेन आई से m इज इक्वल टू माइनस v बाय u, यहाँ पे m में जो नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है? ये नेगेटिव साइन दिखा रहा है इमेज इज रियल। तो जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे अगर आपको मैग्निफिकेशन नेगेटिव मिला तो आप नेचर ऑफ द इमेज क्या बोलेंगे? इमेज इज रियल। अगर आपको मैग्निफिकेशन पॉजिटिव मिला तो आप क्या बोलेंगे? इमेज इज वर्चुअल। तो मैं फिर से बता दूं, वर्चुअल और रियल आपको बताना पड़ेगा कि नेचर ऑफ इमेज कैसा है। सो दिस विल डिपेंड अपॉन के मैग्निफिकेशन का फॉर्म्यूला लगाने के बाद आपको नेगेटिव वैल्यू मिली या पॉजिटिव वैल्यू मिली। इतना क्लियर? इसको अपनी टेक्स्ट बुक में अच्छे से इम्पॉर्टेंट मार्क करके रख लो। चलो फाइनली हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अ कॉन्वेक्स मिरर इज यूज फॉर रियर व्यू on automobile has a radius of curvature 3 meter. If a bus is located at 5 meter from the mirror, find the position, nature and size of the image. सबसे पहले बताओ यहाँ पे mirror कौन सा लिया है? यहाँ पे mirror लिया है convex mirror. क्या information दिया हुआ है? Radius of curvature is 3. तो अगर R 3 है तो इसमें से हम F फाइंड कर सकते हैं क्या बच्चों? Yes or no? Is there some relation? Yes ma'am. Yes. क्या फॉर्म्यूला अप्लाई करेंगे? ये वाला F is equal to R by 2। फॉर्म्यूला क्या लगाएंगे? F is equal to R by 2। अब देखो यहाँ सिर्फ इतना दिया हुआ है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 है और दिया हुआ है कि कॉन्वेक्स मिरर है, पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है ये आप डिसाइड करेंगे। बताइए कैसा लेना है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों? बिकॉज ये कॉन्वेक्स मिरर है, वेक्स इज पॉजिटिव, हमेशा याद रखेंगे। तो क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है आप इसको पॉजिटिव ही लेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि आप R इज इक्वल टू प्लस 3 लिखो, अगर आपने माइनस लिख दिया आपका पूरा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। सो सिंस R इज प्लस 3, F हमने फाइंड कर लिया सिंपली डिवाइडेड बाय 2, इट बिकम्स 1.5। ये सब चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम सिर्फ पहले तो क्या लिखेंगे, R इज इक्वल टू प्लस 3, सो F इज इक्वल टू 1.5। और क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है? बस इज लोकेटेड एट 5 meter फ्रॉम द मिरर। बस क्या हो गया यहाँ पे? ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर है 5। तो यू हमेशा हमको कैसा लेना है? आप बताइए यू कैसा लेना है हमेशा? नेगेटिव। ऑलवेज नेगेटिव, कोई सा भी मिरर हो यू इज ऑलवेज नेगेटिव। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हुआ? -5। अगर ये माइनस आप रखना भूल गए आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। ओके okay. So, दो चीजें हमको दी हुई है, R दिया हुआ है जिससे हमने F फाइंड कर लिया, U दिया हुआ है। What are we supposed to find out? Find the position of the image. Position of the image मतलब इमेज कहाँ बना, तो उसके लिए आपको क्या फाइंड करना है? V फाइंड करना है। नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, साइज कैसे मिलेगा?
जब आप एच डैश फाइंड करोगे तब साइज मिल जाएगा। नेचर मतलब क्या, नेचर मतलब क्या वो रियल है या वर्चुअल है, वो कैसे मिलेगा, जब आप एम फाइंड करोगे तो उसको माइनस है या प्लस है ये देख के आप बता पाएंगे कि वो रियल है या वर्चुअल है। और क्या बताना है उसका नेचर में, आपको बताना है कि वो मैग्निफाइड था या डिमिनिश्ड था, वो आपको एच डैश पे पता चल जाएगा। इतना क्लियर बच्चों, ये समझ में आया कि दिया क्या है और ढूंढना क्या है? Yes, ma'am. अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगा दिया 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f। फाइंड क्या करना है, इमेज पोजिशन, गिवन क्या है, फोकल लेंथ और ये। तो पहले तो हमने इसको फॉर्मूला को इस तरह से रीअरेंज कर लिया कि जो मुझे फाइंड करना है वो लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा। अब मेरी f की वैल्यू क्या है, 1 upon 1.5 पॉजिटिव है, इस बात का बहुत ध्यान रखना, माइनस 1 upon u की वैल्यू क्या थी, -5 थी, डू रिमेंबर दैट इट इज -5, बहुत ध्यान से, ठीक है। अब इसको वर्कआउट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 upon 1.5 plus 1 upon 5। इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 1.5 है और यहाँ 5 है, हमको क्या करना चाहिए, हमको LCM फाइंड करना चाहिए, isn't it? तो सो फॉर्मूला लगाया हमने, अब यहाँ पे हम आके अटक गए क्योंकि यहाँ डेसिमल है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 upon 1.5 को हम कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 1.5 कैन बी रिटन एज 15 upon 10। अब ये 1 divided by 15 upon 10 है, तो 1 upon है ना, इसलिए इस पार्ट का हम इनवर्स ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 15 upon 10 का 10 upon 15। सो नाउ व्हाट डू यू हैव, 10 upon 15 plus 1 upon 5। अब यहाँ डेसिमल्स सॉरी डिनोमिनेटर अलग अलग है, ये 15 है ये 5 है, तो हम क्या करेंगे, दोनों का LCM लेंगे, LCM आया 15। अब LCM लेने के बाद यहाँ 5 को 15 बनाने के लिए क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 3 15, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 1 into 3। जिन लोगों के मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स गड़बड़ हैं, डेसिमल्स, फ्रैक्शन, LCM, आई हैव टेकन इट टू अ वेरी सिंपल लेवल, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू व्यू द वीडियो अगेन एंड अगेन अगर आप कहीं अटक रहे हैं तो। ओके, सो नाउ यू हैव डिनोमिनेटर सेम, तो ये हो गया 10 upon 15 plus 3 upon 15। अब डिनोमिनेटर सेम है तो मैं न्यूमरेटर्स को ऐड कर सकती हूँ, सो आई हैव 13 upon 15। वापस से हमारा फॉर्मूला लाइए क्या था, इट वॉज 1 upon v is equal to 13 upon 15। तो v क्या होगा, मुझे इनवर्स लेना पड़ेगा, दैट इज 15 upon 13। 15 divided by 13 का डिविजन भी मैंने यहाँ पे करके दिखाया है, तो आपको आंसर मिला 1.1.15। ओके, तो इमेज डिस्टेंस क्या मिल गया आपको, इमेज डिस्टेंस आपको मिल गया 1.15। यानी अगर मैंने ऑब्जेक्ट 5 meters अवे रखा था तो मुझे इमेज कहाँ मिला, मुझे इमेज मिला 1.15 meters अवे फ्रॉम द मिरर। तो अभी हमको सिर्फ एक ही चीज मिली है वी, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? Yes, ma'am. अब हमको दो चीजें और फाइंड करनी थी, क्या फाइंड करना था देखो, सो अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो नीड टू फाइंड आउट, पोजिशन तो हमने फाइंड कर दी, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फाइंड करना है, तो साइज के लिए क्या फाइंड करना होगा, हमको फाइंड करना होगा एच डैश। एच डैश का फॉर्म्यूला क्या है, एच डैश का फॉर्म्यूला है, दो फॉर्म्यूले हैं आपके पास, कौन से, एक तो है
m is equal to h dash upon h, but we do not have h. हमको बस की height question में नहीं दी गई है. फिर से एक बार question पढ़ो. देखो कहीं पर भी आपको h दिया गया है. So you have only been given two digits, 3 जो कि radius of curvature है, 5 जो कि u है. बस की height हमारे पास नहीं है. तो ये वाला formula तो हम नहीं use कर सकते h dash upon h. तो फिर दूसरा formula कौन सा है? Minus v upon u. ये जो साइन है ना माइनस की, इसको गलती से भी मिस मत करना, नहीं तो आपका पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा. तो m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u. ये दोनों वैल्यूज हमारे पास हैं. v हमने अभी फाइंड करी, तो पहले हम बहुत ध्यान से माइनस रखेंगे. जो हमारा v था वो पॉजिटिव था, और जो हमारा u था वो कैसा था? वो नेगेटिव था. तो हम यहाँ लिखेंगे -5. सो नाउ यू हैव गॉट रिड ऑफ दिस माइनस साइन. अब आपका आंसर आया 1.15/5. बहुत आसानी से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं. दिस विल बी 1.15/100 × 1/5. बिल्कुल बच्चों की तरह सॉल्व करेंगे, एक एक स्टेप लेके. अच्छा, अब इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा मुझे बता दो. 115 को 5 से डिवाइड करोगे क्या आएगा? तो 115 को 5 से डिवाइड करोगे 23 आ गया. 23/100 इज 0.23. अब देखो यहाँ पे आपको पॉजिटिव साइन मिली है, तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था अगर पॉजिटिव साइन मिलती है तो इमेज कैसा है? वर्चुअल. ठीक है, बहुत ध्यान रखना है, अगर पॉजिटिव साइन मिली है तो इमेज कैसा है? वर्चुअल. अगेन मैंने आपको बोला था कि इमेज स्मॉलर है या लार्जर है वो किस पे पता चलेगा? m की वैल्यू से. तो हमारी m की वैल्यू आई 0.23. अब मुझे बताइए 0.23 इज लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1? इसमें भी इतना टाइम लगाओगे? लेस देन 0.23 is less than 1. So when it is less than 1, you always have the smaller image. And then already हमको ये तो पता है. अच्छा, ये erect है, ऐसा कैसे पता चला? देखो यहाँ पे object है, ये positive मिला ना, तो उससे ये भी पता चली जाता है कि image erect है. So you can count on this positive sign. तो nature हमने कैसे पता लगाया? Positive sign है इसलिए virtual, positive sign है इसलिए erect. और क्योंकि 0.23 is less than 1, तो इमेज कैसी है? स्मॉलर है. अच्छा, कितनी स्मॉलर है वो भी लिखोगे आप. तो कितनी स्मॉल है इमेज? यू विल राइट डाउन द इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज बाय अ फैक्टर ऑफ 0.23. एक एक सेंटेंस इंपॉर्टेंट है अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए है तो. ओके, ये जो हमको वी मिला था तो उससे हमने कुछ कंक्लूड किया था. 1.15 मिला था हमको, तो हम लिखेंगे द इमेज इज 1.15 मीटर एट द बैक ऑफ द मिरर. देखो यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर की बात है. ठीक है, तो क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर की बात है, हमको इमेज कहाँ मिलेगा? हमको इमेज मिलेगा एट द बैक ऑफ द मिरर. इस बात को थोड़ा सा और क्लियर करना है मुझे, आपको रे डायग्राम दिखा. जो अभी सॉल्व किया है न्यूमेरिकल, उसमें हमने कॉन्वेक्स लेंस लिया था. बस कहाँ थी? 5 मीटर्स फ्रॉम द मिरर. तो ये कौन सा वाला केस है? ये केस है बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल. अगर बस बहुत दूर होती तो हम बोलते दैट द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी. तो देखो यहाँ पे कैसा आपको रे डायग्राम मिल रहा है. आपने ऑलरेडी ये रे डायग्राम्स बना लिए हैं, सो आई कैन गो अ बिट फास्ट. देखो आपको इमेज कहाँ मिल रहा है और कैसा मिल रहा है. आपको इमेज मिल रहा है बिटवीन पी एंड एफ. तो ये इमेज आपको कहाँ मिला? इट इज एट द बैक ऑफ द मिरर. बैक ऑफ द मिरर मतलब समझ रहे हो क्या? बैक ऑफ द मिरर मतलब मिरर की दूसरी साइड पे आपको इमेज मिला है. यहाँ नहीं मिला है जैसे कॉनकेव मिरर में मिलता है. सो बिकॉज हियर इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द राइट हैंड साइड, दैट इज द रीजन के हम वी को पॉजिटिव ले रहे हैं. समझ में आया वी पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं? So, यहाँ पे because you are moving on the right hand side, V positive है. Because you are moving on the upper side, इसलिए हमने H dash भी positive लिया, वरना हम H dash negative लेते.
आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा सिंस आई बैक्ड इट अप विद द रे डायग्राम आल्सो सो प्लीज सॉल्व द न्यूमेरिकल. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे. अच्छा इसको हम नेक्स्ट ही इसमें ले लेते हैं.